टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, देखो सबसे पहले कभी ऐसा मत सोचना कि जैसे होता क्या है ना कि मेरा दोस्त है, जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मैं हूँ, है ना, और मैंने एक टास्क लिखा, मैंने एक टास्क लिखा, टास्क क्या लिखा है, मेरा एक कंप्यूटर है, मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरा एक कंप्यूटर है और मैंने एक एपीआई लिखी है, एपीआई में मेरा बहुत सारा कोड लिखा है जो कि मेरे डेटाबेस से डेटा लेके आता है। डेटाबेस आपको पता क्या होता है? डेटाबेस पता है सबको क्या होता है? जो मेरी एक एपीआई है, एपीआई पता होगा, जो हमारे जावा के बैच के स्टूडेंट होंगे तो रोज बनाते हैं एपीआई, तो उनको अच्छे से पता होगा, बट तुम एपीआई पे ध्यान मत दो अगर तुम फ्रेशर हो, बस इस पर समझो मैंने एक पीस ऑफ कोड लिखा है। ठीक है, मैंने एक पीस ऑफ कोड लिखा है, ये डेटाबेस है जहां पे डेटा स्टोर होता है, ये स्टोरेज है, स्टोरेज ऑफ डेटा, स्टोर ऑफ डेटा। ठीक है, तो मेरा कोड क्या कर रहा है, आपने कोड से बोला जा डेटाबेस से डेटा लेके आ, ठीक है, तो वो जाएगा और डेटाबेस से तुम्हें डेटा दिखा देगा। ठीक है, ठीक है, हाँ, लेकिन मेरा जो यहाँ पे कंप्यूटर है ना वो मैक है, मैकबुक प्रो है, और जो मेरे दोस्त है ना, जो मेरा दोस्त है, इसका जो कंप्यूटर है ना वो है विंडोज, विंडोज 7 विद 2 GB रैम। ठीक है, और मेरा मैकबुक प्रो है भाई, तो मेरे में ये एक ऑपरेशन, ये तुम क्या कर रहे हो, डेटा फैच करके लेके आ रहे हो, इसको क्या बोलूंगा मैं, ऑपरेशन, ऑब्वियसली ऑपरेशन बोलेंगे, इस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे, फैचिंग ऑपरेशन, राइट, डेटा फैचिंग ऑपरेशन, डेटा फैचिंग ऑपरेशन, है ना। अब तुमने क्या बोला कि भैया जाओ डेटा से, डेटा स्टोर से डेटा लेके आओ, यहां तक सब मेरे साथ है, यहां तक सब मेरे साथ है। हाँ, तो तुम्हें एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूं इसी चीज का, पता है क्या, देखो तुम सबने कभी टिकट बुक की है IRCTC से कहीं जाने के लिए, ये तुम्हारी IRCTC है, तुमने यहाँ पे LogIn ID डाला, तुमने यहाँ पे पासवर्ड डाला और तुमने यहाँ पे लॉगिन कर दिया। जैसे ही तुमने लॉगिन किया वो तुम्हें ट्रेन के पेजेस पे लेके जाता है, वो तुम्हें ट्रेन के पेजेस पे लेके जाता है जहां से तुम चीजों को सर्च कर सकते हो, जहां से तुम चीजों को क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। ठीक है, ऐसे तो ये तुम्हारा एक तरीके से होम पेज होता है, एक तरीके से तुम्हारा होम पेज होता है, राइट। तुमने क्या किया, तुमने डाला तुम्हारी डेस्टिनेशन, यहां से तुमने डाला डेस्टिनेशन और सॉरी सोर्स टू डेस्टिनेशन, और वो तुमने बोल दिया कि सर्च कर दो मेरे लिए, ठीक है, कहाँ से कहाँ जाना है सर्च कर दो, सबमिट बटन, तो वो तुमको फिर से एक और पेज पे लेके जाता है, वो तुमको फिर से एक और पेज, जैसे तुम करते तो नीचे खुल जाता है या फिर साइड में खुलता है, तुमको एक और पेज पे लेके जाता है वो, यहाँ पे वहां पे लिस्ट ऑफ ट्रेन आती है, ठीक है, लिस्ट ऑफ ट्रेन आती है ना। ठीक है, मैं रियल टाइम एग्जांपल से समझा रहा हूँ, देखो मैं बाकी सबकी तरह नहीं समझाता तुम्हें कि अरे ये हो गया कोड चल गया फलान ढिमकान, ऐसे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारी लिस्ट ऑफ ट्रेन आती है कि एक ट्रेन आ गई, ठीक है, दो ट्रेन आ गई, मतलब ऐसे लिखा होता है ना कि कहाँ से कहाँ तक जाएगी, कितने घंटे लेगी, ऐसे लेट सपोज 3 ट्रेन आ गई, ऐसे आता है ना। तो ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये डेटा डेटाबेस से आ रहा है, ये डेटा डेटाबेस से आ रहा है, ये पूरा कोड ही तो है, पूरा कोड चल रहा है। लेकिन जब तुम ये सारी बुकिंग कर देते हो, अपनी डिटेल डाल देते हो, तो तुम्हें देखा होगा, तुमने देखा होगा यहाँ पे पेमेंट पेज आता है लास्ट में, यहाँ पे तुम पेटीएम का यूपीआई सिलेक्ट करते हो, है ना, या फिर रोजर पे की यूपीआई सिलेक्ट करते हो, सारी चीजें तो तुम सिलेक्ट करते हो,
तो एक एक ऐसे करके लास्ट में पेमेंट पेज आता है, यहां से आता है। हाँ तो तू देखना नॉर्मली उस पेमेंट पेज में एक क्यूआर कोड होता है, या तो तुम उसको स्कैन कर लो और पे कर लो, और नहीं तो नीचे एक यूपीआई आईडी डालने के लिए बोल, और यूपीआई आईडी डाल दो या नंबर डाल दो कुछ भी डाल दो, पेमेंट कर सकते, पेमेंट करो। होता है होता है। देखो मैं ये इसका आईआरसीटीसी का एग्जांपल क्यों ले रहा हूं कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने अभी तक आईआरसीटीसी ना देखी हो, है ना, तो तुम्हें समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो तुमने कभी कभार देखा होगा, तुमने कभी कभार देखा होगा कि नॉर्मल टिकट करोगे, अभी अभी नॉर्मल टिकट करोगे यहां से तो बुक हो जाएगी, बुक्ड हो जाएगी। ठीक है, अब तत्काल टिकट करोगे तुम, जब तुम तत्काल टिकट करते हो, तत्काल टिकट करते हो और तुमने बोला कि मैं टिकट कर रहा हूँ, ठीक है, तुमने डाला और तुम्हारा पेमेंट पेज पे यहाँ से जैसे तुम डिटेल डाल रहे तो ये पेमेंट पेज पे पहुंचता है, ये ऐसे करके पेमेंट पेज पे पहुंचता है। तुमने देखा होगा एक गोला सा घूमता रहता है, ऐसे करके एक गोला सा घूमता रहता है, और थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है कि तुम्हारी ट्रेन की टिकट बुक नहीं हुई है, वेटिंग में आ गई है। राइट, फ्लो समझ में आया अभी तक कि मैं डीएससी के साथ साथ डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ? ठीक है, फ्लो समझ में आया अभी तक, है ना। तो देखो तुम्हारी ट्रेन वेटिंग में क्यों आई, पहली बात, यहां से जब तुमने इस पेमेंट सर्विस को, यहां से तुमने इस पेमेंट सर्विस को कॉल किया, तो ऑब्वियसली जब ये गोला घूमता है, जब ये गोला डन हो जाएगा, जब ये गोला डन हो जाएगा तभी तो ये रिटर्न में रिस्पॉन्स जाएगा कि ओके पेमेंट डन हो चुका है, और तब तुम्हारे पास इस पेज पे जो तुम्हारा होम पेज होता है वहां पे एक नोटिफिकेशन आता है कि भैया आपकी ट्रेन की टिकट कॉन्ग्रेचुलेशन बुक हो चुकी है। यहां से फिर ये रिस्पॉन्स आता है यहाँ पे, और यहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसे दिखाई देता है कॉन्ग्रेचुलेशन, राइट, ऐसे आता है तो दिखाई देता है कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पे आता ही नहीं आता सीट नंबर के साथ में कि प्लेटफॉर्म वन की जब वो पैसेंजर वन की ये है, पैसेंजर टू की 52 है, ऐसे कुछ आता है? अभी तक मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है डिजाइन समझने में? देखो ये बहुत अलग तरीके की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ा रहा हूँ तुम, आई नो दैट, ठीक है, बट तुम्हें ऐसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोई नहीं पढ़ाएगा, लेकिन मैं तुम्हें रियल टाइम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ऐसी चीजों का पढ़ने का मतलब ही नहीं है जो सिर्फ तुम्हें किताबी नॉलेज दे सके, है ना, वो मेरा मकसद है ही नहीं कि तुम्हें किताबी नॉलेज दे पाऊं, मैं तुम्हें रियल टाइम नॉलेज दे पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि किताबें तुम थोड़े दिन बाद भूल जाओगे, उसका कोई मतलब नहीं है कि अभी मैं तुम्हें नोटेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये सारी चीजें बिगोमा, ये ठीटा, ये सारी चीजें तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं, देखो क्या होता है, लेकिन उससे पहले समझ लो एक्चुअली में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है। तो ये पता है ये क्यों फेल हुआ, ठीक है, ये क्यों फेल हुआ पता है तुम्हें? यहाँ पे इन्होंने ये सर्विस इसका वेट कर रही थी, जैसे इसने इसको रिस्पॉन्स किया तो ये वेट कर रही लगभग 30 सेकेंड, लेकिन 30 सेकेंड में रिस्पॉन्स नहीं आया, तब तक सारी सीटें बुक हो गई। अब कभी कभार क्या होता है, तुमने देखा होगा कि तुम्हारा इंटरनेट बहुत स्लो होता है, तुम्हारा इंटरनेट स्लो होता है तो तुम्हारी सीट बुक नहीं हो पाती, वो वेटिंग में चली जाती है ना। और कभी कभी देखना कि कभी तुम किसी एजेंट से करवाना टिकट, एजेंट से जिसके यहाँ पे इथरनेट कनेक्शन या फिर वाईफाई कनेक्शन होता है, वो तुम्हें कंफर्म टिकट ला के देगा, वो तुम्हें कंफर्म टिकट ला के देगा, पता है क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पे इंटरनेट फास्ट होता है, फास्ट होता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरा जो कोड है वो इंटरनेट के डिपेंडेंट है? क्या ऐसा कहना सही है कि इंटरनेट अच्छा है तो सही चल रहा है, इंटरनेट बेकार है तो बेकार चल रहा है, ऐसे कह सकता हूँ? बस यही गलतफहमी है तुम लोगों की, नहीं, जो तुम्हारा कोड है वो ना तो मशीन डिपेंडेंट होता है ना ही नेटवर्क डिपेंडेंट होता है, समझ में आया? अच्छा, मशीन से क्या मतलब है भैया? मान लो कि एक तरफ आप मैकबुक से टिकट कर रहे हो, एक तरफ विंडोज से टिकट हो रही है, ठीक है,
तो दोनों में कोड तो सेम ही लिख रखा है वेबसाइट पे पीछे, कोड तो सेम ही लिख रखा है, सेम ही लिख रखा है। हाँ बिल्कुल। तो अगर तुमसे कोई ये बोले कि मैकबुक पे ये कोड चलाऊंगा तो 1 मिली सेकेंड लेगा, है ना, 1 मिनट लेगा, मिली सेकेंड नहीं, 1 मिनट लेगा, और विंडोज पे चलाऊंगा तो 2 मिनट लेगा। ऐसा कहना ना गलत है कि ये 2 मिनट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। नहीं, ये जो टाइम जो आप बता रहे हो, 2 मिनट 1 मिनट, ये आपके इंफ्रा लेवल का टाइम है, ये आपका मशीन का टाइम है। क्योंकि आपकी ये जो विंडोज है, आपकी ये जो विंडोज है, विंडोज में जो आपका इंटेल का प्रोसेसर है, इसके अंदर प्रोसेसर के अंदर आपका ऑक्टा कोर, ड्यूअल कोर यानी क्वाड कोर जितने भी होंगे, कोर के हिसाब से जैसे 16 थ्रेड होते हैं, इंटेल का एक प्रोसेसर आता है i5 करके, जिसमें 16 थ्रेड्स होते हैं, ऑक्टा कोर या क्वाड कोर होता है, देख लो उसको, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, 16 थ्रेड्स मतलब एक टाइम पे, हाँ 12th जनरेशन, तो ये एक टाइम पे 16 थ्रेड खोल देता है, मतलब एक टाइम पे 16 जॉब्स रन कर पाएगा, ठीक है। और एक ऐसे ही मैक में होता है, तो अगर कोई एक प्रोसेसर है जो एक टाइम पे 16 जॉब कर रहा है, और एक प्रोसेसर है, जैसे मान लो एक i5 का प्रोसेसर है, क्योंकि हर हर सिस्टम में प्रोसेसर होता है, चाहे कोई हो चाहे कोई भी चाहे नहीं हो, है ना, सब में होता है। एक टाइम पे 16 जॉब परफॉर्म हो रही है, और एक है i3 जिसमें एक टाइम पे 8 जॉब परफॉर्म हो रही है। अब एक बात बताओ मुझे, इस प्रोसेसर को मैंने खटाखटा बहुत सारी ढेर सारी रिक्वेस्ट दे दी, ये 16 हैंडल कर सकता है, और मैंने इसको 100 दे दी, ठीक है। तो अब बताओ मुझे कि जो 100 ही रिक्वेस्ट होगी उसमें टाइम लगेगा ना, बल्कि 17वीं रिक्वेस्ट में भी टाइम लगेगा, जब तक ये प्रोसेस नहीं हो जाती 16, तभी तो नंबर आएगा ना 16 के बाद 17वें का, है ना, और 8 में, राइट। अब तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हुआ कि IRCTC टाइम क्यों लेता है तत्काल में, क्योंकि सर्वर के पास ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही होती है, वो प्रोसेस नहीं कर पाता है, और ऊपर से फिर तुम्हारी नेटवर्क की बैंडविड्थ देखो, कैसे नेटवर्क कैसे रोल प्ले करता है। तुम्हारा ये ब्राउजर है, ये सर्वर है, ये तो परफेक्ट रन कर रहा है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, तो AWS में डिप्लॉयड है, ठीक है। लेकिन जब तुम इसको रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, इस पे ऑलरेडी दुनिया भर में लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दुनिया भर के करोड़ों रिक्वेस्ट आ रही है। वो ऐसा नहीं है सिर्फ एक सर्वर है, ठीक है, ये मैं तुम्हें जावा वाले बैच में जो बच्चे होंगे पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है, बहुत सारे सर्वर होते हैं, लेकिन अभी तुम्हारे DSA वाले बच्चों के लिए ये समझना कि एक सर्वर है और बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, तो ये हैंडल कर पाएगा क्या, 16 के बाद ही तो 17 वाली आएगी ना, और ऊपर से तुम्हारा नेटवर्क खराब है, तो जो रिक्वेस्ट इस पे जा रही थी 1 मिली सेकेंड में, अब वो 4 मिली सेकेंड में जा रही है, तो ये कोड की गलती है या नेटवर्क की गलती है, कोड की गलती है नेटवर्क की गलती है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि नेटवर्क डायरेक्ट द कोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेटवर्क, क्या ये कहना सही होगा, क्या ये कहना सही होगा मानसी। मैं ना अभी कटोरी में पानी लेके ना तुम्हें डुबा दूंगा उसमें, दोबारा सुनो क्या कह रहा हूं मैं, कोड जो मैंने कोड लिख रहा हूं एल्गोरिथम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेटवर्क, अभी तक मैंने जितना तुमने पढ़ा है तुमने सब पे पानी फेर दिया सबने, यस यस कर करके, तो मैंने अभी बताया कि कोड मेरा ये अलग चल रहा है, ये रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रहा है, ये आपकी रिक्वेस्ट क्यों नहीं प्रोसेस कर रहा है, आपकी टिकट वेटिंग में क्यों गई, क्योंकि अगर आपका नेटवर्क सही होता तो 1 सेकंड में, मिली सेकंड में रिक्वेस्ट प्रोसेस होती, आपका नेटवर्क खराब है इसलिए 4 सेकंड ले रहा है, 4 मिली सेकंड ले रहा है, लेकिन ये बाकियों के रिक्वेस्ट तो प्रोसेस कर रहा है ना, क्योंकि एजेंट की तो कर रहा है, क्योंकि एजेंट का नेटवर्क फास्ट है, तो कोड तो प्रोपोर्शनल हुआ ही नहीं ना नेटवर्क के। कल को तुम्हारा देखो क्यों कह रहा हूं मैं, तुम्हें ऐसे समझ में आ रहा होगा, मुझे पता थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा कि भैया आप कह रहे हो कि अगर नेटवर्क सही है तो कोड सही चल रहा है ना, यही कंफ्यूजन हो रही ना तुम्हें, यही कंफ्यूजन हो रही ना सबको, कि आप कह रहे हो कि नेटवर्क सही चल रहा है। देखो हाँ बस मैं समझ गया तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है, मुझे पता है तुम कितने तेज हो। मैं कह रहा हूँ कोड चलता रहेगा, ठीक है, अगर एक ये बंदा है, ठीक है, और एक ये बंदा है,
ये 5G यूज कर रहा है लेकिन 4G यूज कर रहा है, तो अगर ये सर्व कोड को रिक्वेस्ट करेगा तो वो जल्दी आ जाएगी, क्योंकि इसका नेटवर्क तेज है, कोड कोड उसको उतने ही सेकंड में, 1 मिली सेकंड में रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। और अगर ये 4G है तो इसके नेटवर्क में टाइम लग रहा है, इसको नेटवर्क में टाइम लग रहा है, कोड का तुम्हारे नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है। कोड जो नेटवर्क है दैट इज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्वेस्ट यहां तक पहुंचने में टाइम लग रहा है बाबू भैया। देखो आप जितनी जल्दी इस पे रिक्वेस्ट पहुंचा दोगे ये प्रोसेस कर देगा। अच्छा चलो मैं तुम्हें दोबारा समझाता हूँ। ये एक घर है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा दोस्त रहता है, ठीक है, और ये तुम हो, ठीक है। तुम शाम को अपने दोस्त के घर रोज आते हो, ठीक है, और उससे पूछते हो कि चाय पीने चल रहा है, चाय पीने चल रहा है। तो तुम्हारा दोस्त जैसे ही तुम आवाज लगाते हो कि चाय पीने चल रहा है, वो 1 मिनट में बाहर आ जाता है, जूते चप्पल पहन के शर्ट वर्ट डाल के, नेट टाइम पे उसका 1 मिनट में बाहर आ जाता है, ठीक है। तुम्हारा घर यहाँ पे है, ठीक है, तुम्हें अपने दोस्त के घर पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। एक दिन तुम्हें कुछ काम आ गया, तुम चले गए मार्केट, एक दिन तुम्हें कुछ काम आ गया तो तुम चले गए मार्केट, तुमने कहा मैं पहले मार्केट जाऊंगा फिर दोस्त के घर जाऊंगा, तुम्हें मार्केट में लगे 10 मिनट, और यहां मार्केट से यहां आने में लगे 10 मिनट और, अगर तुम डायरेक्ट अपने घर से यहां आते हो तो तुम्हें लगते हैं 5 मिनट। तो अब मुझे बताओ तुम्हें रास्ते पे कितना भी टाइम लगे, तुम अपने दोस्त के यहां खड़े होकर आवाज मारोगे चल चाय पीने चल रहा है, तुम कितनी देर में आएगा, कितनी देर में आएगा, 1 मिनट में। तुम मार्केट गए थे, तुम यहाँ पे अपना आटा पिसाने गए थे, तुम दूध लेने गए थे, तुम्हारे दोस्त को उससे कोई मतलब है, तुम्हारे दोस्त को उससे कोई मतलब है, कल को तुम जाके पानी में डूब जाओ कोई मतलब नहीं है उसको, है ना। फिर आगे आवाज मारोगे चाय पीने चल रहा है, वो फिर से 1 मिनट में आ जाएगा। अच्छा तो अब मुझे बताना कि टाइम टेकन बाय यू, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन बाय योर दोस्त, अब बताओ है क्या प्रोपोर्शनली मानसी, है क्या नहीं ना। हाँ तो मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ विद्यार्थियों इतनी देर से, कि जो कोड होता है वो अपने हिसाब से चलता है, उसे तुम किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल के नहीं बता सकते कि भैया ये 1 मिनट में चलेगा या ये 4 मिनट में चलेगा। इसीलिए कहते हैं कि मैकबुक में अगर कोई कोड चल रहा हो और वो विंडोज में चल रहा हो तो कोड इज नेवर प्रोपोर्शनल टू योर मशीन, कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इट्स नेवर प्रोपोर्शनल टू योर मशीन, क्योंकि वो एक इंफ्रा का पार्ट है, वो टाइम तुम्हारा कंप्यूटर ले रहा है क्योंकि वो खटा रहा है, उसमें 1 GB रैम पड़ी हुई है तो वो आपके कोड तक पहुंच ही नहीं पा रहा, समझे। कोड ऐसे ही चलेगा, ठीक है भैया। अब आप कह रहे हो कि ऐसे नहीं कर सकते तो फिर कैसे करेंगे, तो बहुत एक कोई महानुभाव इंसान थे तो जो मैंने अभी तुमको कहानी सुनाई है, उन्होंने ये किसी एक वेबिनार में या फिर एक कॉन्फ्रेंस में सुनाई थी, ठीक है। उन्होंने बोला कि ऐसे किसी भी कोड को नहीं नाप सकते, ऐसे किसी भी कोड को नहीं नाप सकते कि बोल दो अरे मैक पे चल रहा है ये कोड फास्ट है, नहीं ऐसे नहीं ला ला सकते, इसके लिए लगते हैं क्या लगते हैं, एसिम्प्टोटिक क्या लगते हैं, नोटेशंस। अब वो नोटेशंस क्या क्या होते हैं, बिग ओ, बिग ओ नोटेशन जिसको हम बोलते हैं वर्स्ट केस,
ये कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। जैसे तुम्हारी फंक्शंस होते हैं ना कि nth टर्म का फॉर्मूला बताओ, है ना, या फिर जीपी का फॉर्मूला बताओ, है ना, या फिर तुम्हारे एपी का फॉर्मूला बताओ, तो अब मुझे सिंपल सी बात बताना। अगर तुम्हें मैं ऐसे करके एक टर्म दे देता, ऐसे करके कि दो है, फिर चार है ना, फिर चार की जगह आठ है, तो तुम देख के समझ जाते कि भैया ये जीपी चल रही है ना, ये जीपी चल रही है क्योंकि इसमें आप इंटू करते जा रहे हो, या फिर ये एपी चल रही है ना। आप देख के समझ जाते कि डिफरेंस कैसे निकालते कि ए माइनस बी। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको जो कैलकुलस के, अब भाई मैं ज्यादा मैथ में तो नहीं जा रहा ना, बच्चे इतना तो समझ रहे ना कैलकुलस क्या होता है। मुझे 12th का मैथ याद है, ठीक है, तुम याद हो ना हो, क्योंकि वो हर जगह काम आता है, ठीक है। तो मुझे बहुत बहुत साल हो गए 12th करे हुए, फिर भी तो मैंने बोला कि ये कुछ नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो तुम्हारी सारी चीजें हैं, अगर जो बंदा जिसने कैलकुलेशन बनाया है, ठीक है, अगर वो तुम्हें एक फॉर्मूले नहीं देता कि ए, तुम्हें फॉर्मूले नहीं देता कि वो क्या होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी, अगर तुम्हें ये क्या होता है फॉर्मूला होता है डिवाइड बाई टू, ऐसे फॉर्मूले होते हैं राइट। अगर तुम्हें टोटल नेचुरल नंबर निकालने का फॉर्मूला नहीं देता, वो कैसे करते, क्या गिनते क्या कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 7 8 9 10 11 12, कब तक गिनते रहते। उस आदमी ने तुम्हें एक फॉर्मूला दे दिया और उसने वो प्रूव कर दिया, तो हम सब लोग उसको मानने लग गए, है ना। अब तुम ये पूछोगे किसी से कि हम इसको क्यों मान रहे हैं, किसी भी लोग के पास आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेज, एवरीवन इज फॉलोइंग दैट पर्टिकुलर फॉर्म कि हम नेचुरल नंबर का सम ऐसे ही निकालते हैं। तो यहां से तुम्हें एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, व्हाई व्हाई दिस ओनली नोटेशंस, राइट। क्यों? क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे जनरल्स, बहुत सारे डेवलपर्स, बहुत सारे डेवलपर कम्युनिटी इन नोटेशंस का ही यूज करते हैं, इन एनोटेशंस का ही, एनोटेशन नहीं, एनोटेशन नहीं, नोटेशंस, ठीक है, स्प्रिंग बूट आ रही है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया मेरे साथ हो अभी तक? तो इन्हीं बहुत सारे डेवलपर इन्हीं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का यूज करते हैं। उनमें क्या आता है, बिगो, फिर क्या आता है आपका बिग ओमेगा, फिर क्या आता है आपका बिग ओमेगा, फिर आता है आपका थीटा, ठीक है, फिर आगे आता है थीटा, ओके। तो ये हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, ये हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा को, ऐसे कुछ, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ये तुम्हारा होता है वर्स्ट केस, और ये तुम्हारा होता है बेस्ट केस, और ये होता है हमारा एवरेज केस, ठीक है। समझ में आया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बताओ अभी तक समझ में आया क्या चल रहा है?